नमस्कार, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हैं दी लल्लन टॉप चुनाव यात्रा। हम लोग हैं फूलपुर में और फूलपुर में अभी तक आपने पिछले 3 घंटे में 3 अलग अलग राजनीतिक दफ्तर पार्टियों के दफ्तर देखे। हम चौथी जगह पे हैं, ये एक निर्दलीय प्रत्याशी की का दफ्तर है, नाम अतीक अहमद, कुछ के लिए माफिया, कुछ के लिए मसीहा। और हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो उनको मसीहा मानते हैं, उनके लिए राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से वो इस चुनाव को देखते हैं और किस तरीके से उन्होंने इस चुनाव को मैनेज किया। अतीक अहमद अभी जेल में हैं, आप लोग कैंपेन करना आपके लिए कितना दुश्वारी भरा रहा इस दौर में? अतीक अहमद जेल में हैं और चूँकि वो 30 साल से लगातार राजनीतिक जीवन उनका है, 30 साल से, और 5 बार इस क्षेत्र से, एसआर पश्चिमी इलाहाबाद से 5 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और इसी फूलपुर संसदीय क्षेत्र से जहाँ से ये उपचुनाव लड़ रहे हैं, यहीं से वो 2004 में सांसद रहे हैं। इसलिए हम लोगों का एक प्रैक्टिस बन गई है उनके लिए काम करना चुनाव में, और जब उनका चुनाव आता है तो सारे लोग जो जिनके लिए वो वर्क डिवीज़न जिस तरीके से उन्होंने किया था और जिस तरीके से वो कम्पेन करते हैं, वो सारे लोग प्रैक्टिस में आ जाते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि वो जेल के अंदर हों। जैसे 2014 का जब मैं हलफनामा उनका देख रहा था इलेक्शन कमीशन का, तो उनके ऊपर कुल जमा 42 केस दर्ज थे जो विचाराधीन हैं। तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि वो जेल के अंदर हैं और बाहर उनकी तस्वीर के जरिए चुनाव प्रचार हो रहा है। आप 2009 के चुनाव का भी हवाला दे रहे थे, आप लोगों ने इसी तरीके से चुनाव प्रचार किया, तो क्या उसके क्या नतीज रहे थे उस समय चुनाव? 2009 में भी प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव उन्होंने लड़ा था और उस वक्त अपना दल के प्रत्याशी थे और हमारे बीच में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी भी थे और वो भी प्रचार में पूरी तरह लगे थे और अतीक अहमद जी जेल में थे। तो उस वक्त बड़ी मजबूती से हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हमारे साथ में बैकवर्ड क्लास का एक बड़ा वोट जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के साथ में था, उनका आधार वोट कुर्मी समाज का वो था, और साथ में पूरा मुसलमान, मुस्लिम और अकलियत के लोग, तमाम दूसरे भी जो अकलियत के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग जो तो उस चुनाव में पूरी तरीके से हमारे साथ में थे। बड़ी मजबूती से हम लोगों ने उस चुनाव को लड़ा और बड़े अच्छे रिजल्ट आए। तो लेकिन अब जीत नहीं पाए, बाय द वे लग तो है चुनाव तो कोई एक ही कैंडिडेट जीतेगा, सारे तो जीतेंगे नहीं। इस बीच में से थोड़ी सी एक भूल ये हो गई कि मैंने शुरुआत में आपका नाम नहीं पूछा, उसको दुरुस्त किए लेता हूँ। क्या नाम है आपका, मतलब मैं पूछना भूल? मुझे मोहम्मद ईसा कहते हैं। अच्छा, मोहम्मद ईसा। मोहम्मद ईसा जी बहुत लंबे समय से अतीक अहमद से जुड़े हुए हैं, लगभग आपने लगभग उनके 4 से 5 चुनाव देखे हैं? हाँ, मैंने तो शुरुआत से उनके सारे चुनाव में उनके साथ रहा हूँ। अच्छा, तो पहली दफ़ा जब वो शहर पश्चिमी, जो इलाहाबाद शहर पश्चिमी की जो सीट है, वहाँ से अतीक अहमद 5 बार लगातार विधायक रहे हैं, तो पहली मर्तबा उनके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि चुनाव लड़ा जाना चाहिए? और उस समय जब अतीक अहमद पहली बार 89 में MLA का असेंबली चुनाव, उत्तर प्रदेश असेंबली का चुनाव जब वो लड़े, तो उससे पहले इलाहाबाद के अंदर फिरका परस्त ताकतें इतनी मजबूत थी कि हमारे यहाँ इलाहाबाद में एक जगह पड़ती नखास कोना, वहाँ हमें याद है अच्छी तरीके से, क्योंकि इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 63 हो रही है, तो एक लोटे पानी के लिए वहाँ पे दंगा हो गया था और 1 हफ्ते कर्फ्यू लगा था। यहाँ इलाहाबाद का मिजाज बन गया था कि यहाँ छोटी छोटी सी बात पे, रिक्शे वाला अगर मुसलमान है और सवारी हिंदू है, तो अगर पैसे के लेन देन में झगड़ा हो गया तो दंगा हो गया। यहाँ इस तरीके से दंगा होता था, तो इलाहाबाद की एक छवि बन गई थी दंगों के शहर की 89 तक। लेकिन 89 में जब अतीक अहमद जी चुनाव लड़े, तो ये उनका चूँकि सोच हमेशा सेकुलरिज्म की रही है और हमेशा उन्होंने सेकुलर वैल्यूज़ के लिए काम किया, तो फिरका परस्तों के खिलाफ उनकी एक मुहिम रहती थी कि किसी तरीके से इस जो उनका वेव है, जो उनकी सोच है, वो लोगों के ऊपर हावी ना होने पाए और जो इस तरीके एक्टिविटीज़ है वो हावी ना होने पाए, इसके लिए वो काम पहले भी करते थे। तो जब उनको पावर मिल गई तो फिर उन्होंने इस पर बहुत फोर्सिबली जो है तो किया। तो इस किस्म के जो एलिमेंट्स थे जो फिरका परस्ती के
तमाम ऐसे मामलात चलाते थे, उनको कुछ को समझाया गया, कुछ को बुलाया गया, कुछ से बातें की गई, इस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया गया। और माहौल क्रिएट करने के बाद से आज तक उनके T9 के MLA होने के बाद से आज तक तकरीबन 30 साल हो गए हैं, लेकिन इलाहाबाद में जो बच्चे उस वक्त पैदा हुए थे इस वक्त 30 साल के हो गए, उनको यही नहीं मालूम कि दंगों में होता क्या है। यानी इतना अमन अमान का माहौल इलाहाबाद में हो गया, जबकि अभी तमाम बाबरी मस्जिद आते, इस तरह मामला बहुत से मामले आए जब इलाहाबाद नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम फिरका परस्त ताकतें मजबूत हो गई, तमाम दंगे फसाद ये वो, तो बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन इलाहाबाद में अमन अमान उस हालात में भी जो है अतीक अहमद रात रात भर अपनी मोटरसाइकिल पे एक गनर के साथ में टहल टहल करके, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम हिंदू इलाके में जा रहे हैं मुस्लिम इलाके में जा रहे हैं, सब जगह जाते थे वो, और जा करके लोगों के बीच में बात करते थे, बैठते थे हिंदुओं के घर में जाकर बैठते थे, चाय पीते थे, और बैठ करके वहाँ चाय पीते थे, लोगों से बात करते थे कि हम हैं, कोई ऐसी बात नहीं करनी, आप अपनी तरफ से नहीं करना, वो अपनी तरफ से नहीं करेंगे, इस तरह नॉर्मलाइज करते थे। और इस नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ये हुआ कि आज तक यहाँ अमन अमान था। आपका क्या नाम हुआ सर? खान सौलत हनीफ। खान सौलत सर, मैं आपसे ये एक सवाल करूं तो अक्सर मीडिया में जब उनके बारे में रिपोर्ट होती है तो ऐसे लिखा जाता है कि बाहुबली सांसद या माफिया, इस तरीके से आपके नज़रिए में अतीक अहमद क्या है, मतलब आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो मजलूमों के लिए हक की लड़ाई लड़ने वाले आदमी हैं, और जो भी हक की लड़ाई लड़ता है उसको बाहुबली कहा जाता है। बिना बाहुबल हुए आप सोसाइटी में किसी के हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन बाहुबल ज़रूरी है। कोई कमज़ोर आदमी तो किसी के हक की लड़ाई लड़ नहीं सकता, वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाता तो दूसरों के हक की लड़ाई क्या लड़ेगा। आप अभी फिरका परस्ती की बात कर रहे थे, ये चुनाव दिलचस्प चुनाव है, ढाई दशक बाद में सपा बसपा एक साथ आई हैं, कांग्रेस उस गठबंधन से हालांकि बाहर है, लेकिन ये है कि अब सपा का लगातार ये आरोप है कि आप लोगों ने का प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हो गए अतीक अहमद ने, और ये फिरका परस्ती के खिलाफ जो जंग है, जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जंग है उन्हीं की भाषा में, तो उसको कमज़ोर करने का काम किया है, तो इसको आप इस चीज़ का क्या जवाब देना चाहें? सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ तो जंग हम ही लड़ रहे हैं, ये जो लोग दावा कर रहे हैं वो सिर्फ दावा कर रहे हैं, खोखला दावा कर रहे हैं, उन्होंने कभी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कोई काम किया नहीं है। जहाँ तक आपके सामने BSP है, अगर वो कहे कि हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ चुनाव, तो उन्होंने दो दो बार भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर सरकार बनाई, तो तीन बार, तो सांप्रदायिक ताकतों से उनकी लड़ाई कैसे हो सकती है? जो आदमी खुद उनके साथ में खड़ा हो, उनके साथ सरकार चला रहा हो, तो लेकिन सपा और कांग्रेस के लिए तो काम नहीं करता है। नहीं, सपा और कांग्रेस के लिए काम मतलब ठीक है, उन्होंने सरकार नहीं बनाई, लेकिन बहुत से ऐसे मौके आए, अभी हम लोगों ने देखा जब योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस वक्त जो है तो वो ओथ हो रहा था, ओथ होने के बाद जो है तो ओथ होने के फौरन बाद जो है मुलायम सिंह जी उनके कान में कुछ कनफुसिया के बातें कर रहे हैं, और साथ में अखिलेश से उनका परिचय करा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात थी कि प्रधानमंत्री से उस वक्त वहाँ परिचय कराने की जरूरत थी? पूरी जनता, हम ही लोग नहीं, पूरे देश की जनता देख रही थी कि ये कुछ ना कुछ सेटिंग, कुछ ना कुछ आपस में बातें हो रही हैं कि सरकार तुम्हारी आ गई, हमारे कारनामों पे पर्दा डाले रहना। मेरे ख्याल से इसी सब तरह की बातें होती रही होंगी। तो जो आदमी TV के सामने और कोई आदमी पीठ के पीछे हाथ मिला रहा है, तो सांप्रदायिक ताकतों से वो कैसे लड़ सकता है? हमारे सामने, हमारे ऊपर तो कोई एलिगेशन इस टाइप का है ही नहीं। हम तो बात कर रहे हैं, हम तो दावा भी कर रहे हैं कि हम तो 30 सालों से हमने जो प्रयास किया है वो इलाहाबाद का जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको हमने कायम किया। यहाँ अमन अमान का माहौल है, यहाँ हिंदू मुसलमान आपस में लड़ना भूल गए हैं, इतने अमन अमान के साथ लोग रहते हैं। तो ये हमारा प्रयास है, ये उनका प्रयास नहीं है, ना उन्होंने ऐसा एफर्ट कभी किया है। मैं अभी जब यहाँ पे दूसरे लोगों से बात कर रहा था तो बोला गया मुझे कि आप उनके बहुत बड़े पुराने दोस्त हैं, तो ये दोस्ती शुरू कहाँ से हुई थी ईशा साहब? ये तो एक आपने जो पूछा है, दोस्ती नहीं है, हमारे वो छोटे भाई हैं अतीक अहमद साहब, और राजनीति में उनके पहले से, उनके राजनीति में आने से पहले मैं राजनीति कर रहा हूँ। हम 73 में जब हाई स्कूल में थे, RSS का स्कूल यहाँ है, मैं वहाँ पढ़ता था, और वहाँ मैं सचिव हो गया था, सेक्रेटरी होती, यूनियन का सेक्रेटरी हो गया था,
73 में, तो हम तो बहुत राजनीति बहुत दिनों से कर रहे हैं। फिर 77 में, 75, 76 में जब जेवी मूवमेंट चल रहा था तो हम लोग मूवमेंट में थे। उस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी हमारा क्लास फेलो था, हम लोग सब लोग जो तो उस वक्त मूवमेंट में चलते थे। ये मतलब था, ये तो 89 में ये आए चुनाव में, फिर तो हमको लगा कि शार्प हैं और ये बेहतर काम कर सकते हैं, इनका साथ दिया जाए, तो हम लोग साथ में जुड़े इनके साथ में और साथ दे के काम कर रहे हैं। तो हम सारे लोग जब मिल गए तो ये एक जो फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ाई थी वो बहुत मजबूत हो गई। तो ये अभी आपका नाम, माफ कीजिएगा, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, रिजवान साहब, ये मसला ये है कि अभी जब हम लोग बाहर बात कर रहे थे लोगों से, तो मुस्लिम समुदाय में तो इनका ठीक ठाक समर्थन है, लेकिन जो जातीय गणित है उसमें आपके जीत का समीकरण कैसे बैठ रहा है? हमारे जीत का समीकरण तो मैं इस तरह से कहूँगा कि हम हमारे पूर्व सांसद अतीक अहमद जी सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं और सबके लिए काम करते हैं, तो हमको तो सभी का वोट मिल रहा है, सभी का समर्थन मिल रहा है, हम तो जीत रहे हैं। अच्छा, कितनी उम्मीद है जीतने की? हम तो 100% कहेंगे भाई, 100%, हमारे मुकाबले में कोई है ही नहीं। अच्छा, आपके मुकाबले में बेहतर है। ये इस किस्म के दावे होते हैं जो चुनाव से पहले और नतीजे आने के से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी, हर प्रत्याशी अपने बारे में करता है। हम लोग फिलहाल अतीक अहमद के दफ्तर में हैं और इस तरीके से हमने आपको फूलपुर के चारों उम्मीदवार जो हैं उनके दफ्तरों का एक एक रंग दिखाया है। इसी तरीके से आप चुनाव के दूसरे रंग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।